Moving on, the Indian Olympic body's decision to grant direct entries to Bajrang Punia and Vinesh Fogat in the Asian Games has drawn ire from a few wrestlers. And in an exclusive conversation with my colleague Karishma, wrestlers Antim Fungal has asked for a fair selection trial. She said that she was upset with the decision as she was participating in the same category as Vinesh. Antim has also threatened to move the court over the decision, but we just broke the news at this point in time that the Olympic body has taken a U-turn and they have said that the final selections have not been made yet. But let's listen in to this conversation filed earlier. Joining me at this moment is Antim, who is a direct challenger to Vinesh Fogat. Antim, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा मैंने कहा अंतिम, विनेश फोगाट जो 53 किलो कैटेगरी में आती हैं, उनको एशियन गेम्स के लिए डायरेक्ट एंट्री दे दी गई है. आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को? मैम अभी बोल रहे हैं कि वह ट्रायल तो लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट आएगा पहले विनेश दी को मौका दिया जाएगा. अगर वो जाने से मना करेगी तो हमें मौका दिया जाएगा. ये थोड़ी नाम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. पिछले साल भी मेरी उनके साथ बाउट हुई थी. अब बोल रहे हैं उनका पिछले साल सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था, इसके उस पे उन्हें भेजा जा रहा है. ऐसे तो सबके मेडल आए थे मैम, सबको भेजो. अभी एशिया चैंपियनशिप में बहुत सारे बच्चों के मेडल आए हैं, ये थोड़ी ना होता है. और हम भी इतने साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम, अभी ये देखा जाए तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है लगभग एक साल से. तो अंतिम, एडहॉक कमेटी का कहना है कि वो सिर्फ वही रूल फॉलो कर रहे हैं जो 2022 में सिलेक्शन के क्राइटेरिया बनाए गए थे, वही 2023 में भी फॉलो कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि 2022 में जो विनेश और बजरंग थे वो 2023 में अलग हैं प्रैक्टिस के मामले में. हाँ मैम बहुत अलग है. 2022 में तो मेरी उनके साथ बाउट हुई थी, तो पहले तो मेरी उनके साथ तीन तीन से बाउट हुई थी, लेकिन उसके बाद में हमारी साथ जो से बाउट हुई थी बहुत फर्क था उस टाइम पे. लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है. ये थोड़ी ना, अगर वो सीधा जाएंगी तो मैं भी ये सोचूंगी कि शायद वो उन्हें राहत थी. मेरे मन में भी ये बात आएगी मैम, क्या शायद मैं उन्हें राहत थी. अगर वो हमारे साथ ट्रायल करके जाएगी, वो जीत तो यार मैं उससे वो थोड़ी ना होगा, लेकिन हमारे मन को ये तो हमने ट्रायल दी थी. तो अंतिम, आप ये कह रहे हो कि आपको विनेश के जाने से कोई परेशानी नहीं है, आप चाहती हैं कि वो भी ट्रायल दें और फिर जीतें और फिर अगर वो जाती हैं तो जाएं. हाँ ट्रायल दे, हम ट्रायल के उसमें, हमें ये नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हमें भी सीधा भेजो, हमें सीधा नहीं जाना. ट्रायल दे के हम जाना चाहते हैं, उनकी भी ट्रायल ली जाए. और अंतिम, अब तो ये फैसला हो चुका है 22 और 23 को ट्रायल्स भी होंगे, क्या बीच में ऐसा भी कोई फैसला ले सकते हो आप कोर्ट जाने का, क्योंकि ऑर्डर तो एडहॉक कमिटी ने इस वक्त इशू कर दिया है. मैम ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन मैं भी कल आपको बता देती हूँ, आप भी न्यूज वाले में होंगे मैम, हम भी कल धरना दे रहे हैं. कहां पर धरना दे रहे हो आप अंतिम? हिसार में मैम. तो आप लोग सर का ये जो फैसला हुआ है उसके खिलाफ पर धरना देंगे? हाँ उसके खिलाफ पर देंगे मैम, और जरूरत पड़ी तो हमें हम केस फाइल वो केस दर्ज भी करवाएंगे इनके खिलाफ में. ये रूल हम नहीं होने देंगे जब तक हमारी कोशिश रहेगी तब तक. और अंतिम, ये जो धरना देने की आप बात कर रही हैं, इसमें कितने रेसलर्स होंगे करीबन? फिलहाल तो लगभग अभी मैं दे रही हूँ मैम, और मेरी एकेडमी की जो लड़कियां हैं लगभग 20-25 लड़कियां हैं जो वो भी आएंगी. ठीक है. और अंत में आपसे कल धरना देने के बाद में जिन जिन लड़कियों को जो 53 में वो आएंगी. अंत में आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक नया एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए सिलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि हर बारी सिलेक्शन ट्रायल्स के टाइम पर कुछ ना कुछ होता है, कोई बड़ा खिलाड़ी होता है, कोई छोटा खिलाड़ी होता है, किसी के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल होता है तो किसी के पास ओलंपिक का मेडल होता है, तो आपको लगता है एक तय क्राइटेरिया बना देना चाहिए सिलेक्शन के लिए बड़े टूर्नामेंट्स के लिए? हाँ मैम, मतलब जिसके 1-1.5 साल से मेडल आ रहे हैं वो बच्चे ट्रायल दे दें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अप है. अब जैसे विनेश जी का मेडल पिछले 1 साल सितंबर में मेडल आया था उनका, अभी जुलाई मैम 1 महीने में और 1 साल हो जाएगा उनका उनका मेडल आए हुए. अब अगर वो ट्रायल देंगे तो उसी के बेस पे ट्रायल देंगे, वरना उनके पास में उसके बाद में कोई मेडल नहीं है. तो आपको लगता है जो अब जैसे उनका मेडल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है.
क्या आपको लगता है जो हो रहा है, जिस तरीके का फैसला लिया जा रहा है, वो अनफेयर है बाकी रेसलर्स के लिए? हाँ मैम, बहुत बहुत गलत है फैसला। तो अब आपका आगे का कदम क्या होगा अंतिम, क्योंकि सिलेक्शन ट्रायल्स 1 हफ्ते के अंदर अंदर हैं, तो कैसे लड़ेंगी आप ये फाइट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ऑर्डर जो है वो इशू हो चुका है। मैम ऑर्डर तो हो चुका है, पहले भी बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे 57 किलो मेरे जो रवि दया वो भी जाएगा, अब बोल रहे हैं विनेश दी और बजरंग भैया जाएंगे सिर्फ। अभी तो ट्रायल होने में मैम बाकी है 5-6 दिन, अभी देखते क्या होता है। ठीक है अंतिम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक एंड विद दैट इट्स अ रैप ऑन दिस बुलेटिन। मोर न्यूज एंड अपडेट्स ऑन द अदर साइड, वी टेक अ ब्रेक।